हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पॉलिटी विच इज़ वेरी मच रिलेवेंट फॉर योर एचसीएस एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड वेरी वेरी सून। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट जिनको DPSP बोलते हैं हम। सी, इस टॉपिक को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा रट लो कि DPSP ये होते हैं, इन आर्टिकल, ये आर्टिकल नंबर से, यहाँ से आर्टिकल नंबर DPSP है, इस पार्ट के अंदर है, राइट। बट देर इज एन अदर वे विच एक्चुअली अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट शुड प्रिपेयर, लाइक देयर यू शुड नो कि वाई DPSP आर देयर, ये हैं क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनको इंसर्ट ही क्यों करा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट द फर्स्ट प्लेस, व्हेन ऑलरेडी देयर वर थिंग कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। सो उसके साथ ये DPSP नाम का प्रोविजन क्यों इंसर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप अगर इस वे में पढ़ेंगे देन यू विल एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ DPSP। आपको प्रीलिम्स, मेंस, सब कुछ एक चीज में तब प्रिपेयर होती है, राइट। एक होलिस्टिक प्रिपरेशन तब होती है एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट मी टेल यू, हम सेकेंड टाइप चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग वाई DPSP वॉज देयर, हम उस वे से पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल DPSP जो है वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 एंड फंडामेंटल राइट्स, ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 3। तो वॉज इट अ कोइंसिडेंस कि जैसे ही फंडामेंटल राइट वाला पार्ट खत्म हो डायरेक्टली दे रोट इन पार्ट 4 द DPSP, वॉज इट अ कोइंसिडेंस? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इसके बाद है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट और DPSP ये सारे इकट्ठे प्रोविजंस लिखे गए थे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना अभी जो बताऊंगा कि पार्ट 3 पार्ट 4 कोइंसिडेंस नहीं है, यू विल एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई DPSP हैज बीन इंसर्टेड। इसका आंसर ही मिल जाएगा आपको, बिकॉज हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब असेंबली के अंदर दे रोट डाउन अ नंबर ऑफ प्रोविजंस, इकट्ठी एक लिस्ट बनाई उन्होंने जिसके अंदर कई सारे प्रोविजंस थे, देन दे डिसाइडेड कि इनमें से जो प्रोविजंस हमने लिखे हैं वी विल हैव टू मेक सम एज फंडामेंटल राइट्स एंड सम प्रोविजंस एज DPSPs। सो जो पार्ट 3 पार्ट 4 ये पैरेलली लिखा गया, इकट्ठा लिखा गया, उनको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इट्स नॉट लाइक कि पहले पार्ट 3 फिर पार्ट 4, नो, सारे प्रोविजंस इकट्ठे लिखे गए, उसमें से कुछ पार्ट को पार्ट 3 में रखा है और कुछ प्रोविजंस को पार्ट 4 में रखा है। नाउ व्हाई दिस काइंड ऑफ अ डिवीजन, क्यों रखा गया कुछ पार्ट्स को पार्ट 4 में और क्यों पार्ट 3 के अंदर? बिकॉज एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, वही हमारी गवर्नमेंट भी थी, दे एक्चुअली हैव रियलाइज वन थिंग कि यार हमारी गवर्नमेंट के पास अभी इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि जो हम ये सारे के सारे प्रोविजन हमने लिखे हैं ये हम फंडामेंटल राइट बना दें। बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, वो उनका राइट हो जाएगा, दे यू विल हैव टू डेफिनेटली प्रोवाइड देम इन एवरी सिचुएशन रिगार्ड, कुछ एक्सेप्शन को हटा के। बट कुछ इनफ रिसोर्सेज नहीं है अभी, इन्होंने रियलाइज हुआ कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हमें सारे के सारे प्रोविजन अपने सिटीजन्स को फ्रीली प्रोवाइड कर सकें। बट एज टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी विद डेवलपमेंट, तो जैसे जैसे रिसोर्सेज कलेक्ट करते जाएंगे, रिसोर्सेज इकट्ठे होते जाएंगे, तो इस DPSP से में से कुछ प्रोविजन को वो धीरे धीरे फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंसर्ट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, ये जो राइट है फंडामेंटल राइट, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21A। सो जब आर्टिकल 21A लिख दिया मतलब कि ये अमेंडमेंट से बाद में ऐड किया गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, क्या ये इनिशियली फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में नहीं डाल सकते थे, इसको बाद में अमेंडमेंट से ऐड करना क्यों जरूरत पड़ गई? बिकॉज इनिशियली गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने सिटीजन्स को ये वाला फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर सके, बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइड करने बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, तो उतने रिसोर्सेज अवेलेबल थे ही नहीं। सो दैट इज द रीजन कि इसको जो है राइट टू एजुकेशन को DPSP के अंदर इंसर्ट कर रखा था, पार्ट 4 के अंदर था, वेयर कि 0 से 14 ईयर्स तक की एज के लिए बच्चों के लिए गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। सो इन जैसे लेकिन बाद में विद टाइम जैसे रिसोर्सेज इकट्ठे हुए, सो इन फाइनली इन 2002 के अंदर जाकर इस राइट टू एजुकेशन को
डीपीएसपी से हटाकर फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया, और अभी भी कुछ प्रोविजन लाइक 0 to 6 ईयर्स वाले अभी भी डीपीएसपी के अंडर ही हैं, पर 6 to 14 ईयर्स के लिए अंडर राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट जो है अपना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी बच्चों को, और ये हमने फंडामेंटल राइट के अंदर डीपीएसपी से इंसर्ट कर दिया 2002। और ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे रिसोर्सेज इकट्ठे होते जाते हैं गवर्नमेंट टेक एक्शंस ऑन डीपीएसपी, उनको फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंसर्ट करती है या फिर उनके बेसिस पे कोई ना कोई एक्ट पास कर देते हैं लीगली, राइट। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आई होगी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि क्यों डीपीएसपी क्यों पार्ट 4 के अंदर है, क्यों पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट है, और एक क्या स्टोरी थी, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। बट सेकेंड चीज़, सेकेंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी का, बिकॉज डीपीएसपी क्या है, अब हम देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली डीपीएसपी, व्हाट इज डीपीएसपी। अगर आप डीपीएसपी फुल फॉर्म देखो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फुल फॉर्म है इसकी। इसकी फुल फॉर्म में इसका फंक्शन छुपा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब इट इज दीज प्रिंसिपल्स आर शोइंग अ डायरेक्शन टू हूम फॉर द स्टेट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेट, यहाँ पे गवर्नमेंट को रेफर कर रहे हैं, तो अपनी जो गवर्नमेंट है वो जो भी पॉलिसीज फॉर्म करेगी, वो जो भी पॉलिसीज फॉर्म करेगी उसके अंदर डीपीएसपी को अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल कंसिडर करेगी। डीपीएसपी विल बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल, DPSP will be a guiding or fundamental part, fundamental principle of that policy, fundamental principle or policy, right? So ये एक और बहुत ज़्यादा important है इसके लिए, इस क्या importance है DPSP की, right? और ये constitution के अंदर inserted भी है, I'll show you, एक proper article है, article 37, इसके अंदर constitution लिखा हुआ है कि DPSP has to be the part of the fundamental governance. So, वो इसका मीनिंग क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट, राइट। सो ये इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी की, ऑल्दो इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, डीपीएसपीज आर नॉट, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। नाउ नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वाई डीपीएसपी आर नॉट लीगली एनफोर्सिबल, डीपीएसपी को लीगली एनफोर्सिबल क्यों नहीं बनाया गया, इस यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्यों जो स्टार्टिंग में हमने देखा उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। बिकॉज अगर इसको लीगली एनफोर्सिबल बना देंगे तो फिर डीपीएसपी को फंड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास अभी इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारे के सारे डीपीएसपी को आपको एज अ लीगल एनफोर्सिबल आपका राइट बना दिया जाए, आपको प्रोवाइड करे, तो वही वाली सिचुएशन आ जाएगी। दैट इज द रीजन कि डीपीएसपी को नॉट लीगली एनफोर्सिबल रखा गया जबकि फंडामेंटल राइट्स आर लीगली एनफोर्सिएबल, राइट। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, इससे समझ में आएगा कि क्या क्या फंक्शन है इसके डीपीएसपी के। ओके, नाउ लेट्स सी सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डीपीएसपी एज वेल, राइट। इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से इसको इंस्पिरेशन ले लेके हमने डीपीएसपी को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51, राइट। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। 36 से 51 क्या आ गया अपने, डीपीएसपीज। ओके, इट एनश्राइंस सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और डीपीएसपी कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, राइट। बट अभी कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। दे आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर एनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लाइक जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम के कुछ प्रोविजंस थे, ये वहां से इंस्पायर्ड है, काफी सिमिलर है वहां से, राइट। इनका फेसिंग फंक्शनिंग उसका भी सेम ही था जो इनका है। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, ये भी इंस्ट्रक्शंस किसके लिए थे उस टाइम, स्टेट के लिए, और डीपीएसपी आर आल्सो इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टेट नॉट फॉर द सिटीजंस, राइट। नॉट लीगली एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट फॉर दैट वायलेशन, यस हमने देख लिया ये, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। द कंसेप्ट बिहाइंड डीपीएसपी इज टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट, यस वेलफेयर स्टेट, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आई विल टेल यू वेलफेयर स्टेट एज वेल, ऑलराइट। सो सपुरु रिपोर्ट के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों का मेंशन था, ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है।
it could be asked. All right. And next important point, that Indian Constitution under Article 37 makes it clear that DPSPs are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. यही मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 36 से 51 क्या है डीपीएसपी, एंड आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट डिफाइंड है, वेयर एज आर्टिकल 37 यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि द डीपीएसपीज आर फंडामेंटल टू द इन द गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज और एनी पॉलिसी. राइट, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज मतलब कुछ बेसिक प्रोविजन थे ये डीपीएसपी के. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंटिन्यू विद द आर्टिकल्स, मतलब कौन 36 से 51 एक एक करके थोड़ा देख लेंगे कि कैसे डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन है. राइट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज हैं विच कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम, और आपको कैसे उनको रिमेंबर करना है, आइदर यू नीड टू क्रैम इट अप इन द होल और कोई तरीका है इनको याद करने का. राइट, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ऑलमोस्ट वो बेसिकली फैक्चुअल ज़्यादा है, वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प भी करेगा आपको. एंड आई रियली होप कि आपकी प्रिपरेशन जो HCS की वो बहुत अच्छी जा रही होगी. अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा रही तो माइंड यू आई वुड रियली सजेस्ट यू कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज नोटिफिकेशन किसी भी टाइम आ सकता है. ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा या लेट आएगा या जल्दी आएगा, किसी भी टाइम आ सकता है और डेफिनेटली आएगा तो ज़रूर. और अगर आपने अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, राइट, अभिमन्यु आईएएस हैज़ अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, where we are providing you one stop solution for everything, for prelims, mains, right, everything. Okay, just a sec. So Abhimanyu IAS has a wonderful option for you. We have already started an HCS offline batch. Humne ek HCS offline batch 1 November se already start ho chuka hai. It is exclusively dedicated for HCS. यहाँ पर सब कुछ कवर होगा आपका, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक. वी विल बी देयर विद यू टिल द एंड ऑफ योर जर्नी. आपको बस प्रिपेयर करना है. राइट, हमारे जो आपको जो बताया जाएगा, यू नीड टू डू दैट, हार्ड वर्क करना है. एंड आई कैन, और जो भी आपको गाइडेंस मिले, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है प्रिपरेशन का, एक अगर आपको एक अच्छी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन हो ना, उससे अच्छी प्रिपरेशन कभी भी नहीं होती. हार्ड वर्क तो पुट इन करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट नीड टू पुट इन हार्ड वर्क और एनीथिंग, बट यस, अगर आपके हार्ड वर्क को सही डायरेक्शन मिले, then things will turn out, right? तब आपकी चीज़ों को क्या मिलता है, सक्सेस मिलती है. सो दैट इज़ द रीज़न दिस बैच इज़ फॉर यू. अगर आपको इस बैच से कोई भी क्वेरी है तो नीचे उसके लिए सपोर्ट नंबर है, और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. राइट, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, डोंट वरी. आई विल रियली सजेस्ट कि एक बार आप इसको चेकआउट ज़रूर करें, बिकॉज आपको कहीं भी नहीं जाना, वन स्टॉप सोल्यूशन, एवरी थिंग इज प्रोवाइड अंडर दिस कोर्स. राइट, so with this I wish you good luck for your future endeavors, and I sincerely hope that if you really believe, if you are putting in hard work, and then you become an HCS officer. So with this, once again, good luck, take care, and bye bye.